जैसे ही शनिदेव का नाम आता है आधे से ज्यादा लोग तो डर जाते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही हमें शनिदेव के बारे में कुछ ऐसा बताया गया है। शनि की 7.5 ढैया पनौती, इस तरह से उनसे हमारा इंट्रोडक्शन कराया गया है कि शनि का नाम आते ही मैंने लोगों के चेहरे में डर देखा है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि कलयुग में अगर कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा देवता है जो आपको हर तरह से सफलता दे सकता है, तो वो शनिदेव ही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव के बारे में जहां से अगर शनिदेव का संबंध बन जाए तो आपको परेशान होने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अकेले शनिदेव आपको आपकी जन्म कुंडली में, आपको अपने जीवन में सब कुछ देने के लिए आए हैं। बस थोड़ा सा इन्हें समझ लीजिए। अगर आपने थोड़ा सा शनिदेव को समझना शुरू कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि इनसे ज़्यादा बेहतर ग्रह, इनसे ज़्यादा दयालु, इनसे ज़्यादा मदद करने वाला, मुसीबत से निकालने वाला कोई दूसरा ग्रह नहीं है। ये अकेले ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हो जाएं तो इसके बाद आपकी आपकी जन्म कुंडली में कोई दूसरे ग्रह आपका सपोर्ट भी ना कर रहे हो तब भी ऐसा इंसान अपने जीवन में सब कुछ बना ले जाता है, पा लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ एक आपको जानकारी दे देते हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव दास्य वृत्ति के कहे जाते हैं। ऐसे लोग जो ब्लू कॉलर वर्कर कहे जाते हैं, छोटे कर्मचारी लोग, ऐसे लोग जो दास वृत्ति के होते हैं, उनका शनि कारकत्व लिए हुए होते हैं। शनि परिश्रम के कारक हैं। जहाँ भी मेहनत की बात आएगी शनिदेव वहाँ पर जरूर होंगे। अनुभव समृद्ध बनाते हैं शनिदेव। ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे हों, ऐसे लोग परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। शनि करते क्या हैं? शनि आपको परिपक्व ही तो बनाते हैं। शनि दुख के, बीमारी के कारक हैं। दुख जब इंसान की जीवन में इंसान के आता है तब इंसान को लगता है कि मेरा जीवन जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। और जब वो उस दुख से बाहर आता है तो सिर्फ वो दुख से बाहर नहीं आता बल्कि वो बहुत कुछ सीख लेता है। ऐसे इंसान अपनी, जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हों, ऐसे इंसान अपने जीवन में इतना अनुभव लिए हुए होते हैं कि उनको आने वाली समस्याओं का पूर्वाभास होने लगता है क्योंकि शनिदेव इतना रगड़ देते हैं। बीमारी के कारक हैं शनिदेव। शनिदेव शोक के कारक हैं, दुख के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं। अब अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो मृत्यु भी तो एक अटल सत्य है। किसी इंसान का जीवन लेना, किसी इंसान का पैदा होना, इसमें भले ही संशय हो लेकिन मरना तो बिल्कुल तय है ना। अब वो बात अलग है कि हम मरने से ही इतना डर जाएं कि हम हमारे अंदर शनिदेव के नाम से खौफ हो जाए, लेकिन मृत्यु एक तरह से अटल सत्य ही तो है। शनिदेव की स्वराशि कौन कौन सी होती है? मकर और कुंभ, ये उनकी खुद की राशि हैं। ये इन राशियों में शनिदेव स्वामित्व प्राप्त किए हुए हैं। इनकी उच्च राशि तुला है और इनकी नीच राशि मेष है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो तुला ही इनकी उच्च राशि क्यों हुई? क्योंकि उनको न्यायाधीश कहा जाता है, इनको कहा जाता है कर्म फलदाता, इनको जज की संज्ञा दी गई है। इनकी नीच राशि मेष हो जाती है। मेष मंगल की राशि है और मंगल शनि की आपस में बनती नहीं है। इस बारे में हम फिलहाल अभी चर्चा नहीं करते, कभी दूसरे वीडियो में मैं आपको मंगल और शनि की युति और इनके दृष्टि संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शनि अगर किसी की जन्म कुंडली के लग्न में बैठ जाए, ऐसा इंसान प्री मैच्योर हो जाएगा, ऐसा इंसान गंभीर स्वभाव का हो जाएगा, बहुत अच्छा नेचर हो जाएगा, गंभीर व्यक्तित्व हो जाएगा, विशाल व्यक्तित्व हो जाएगा। ऐसे लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती है, लंबी कद काठी के, और ऐसे लोग अलगाव लिए हुए होते हैं। सामाजिक होना ऐसे लोगों को बहुत पसंद नहीं होता। ऐसे लोग एकांत में समय बिताना अच्छा करते हैं, विचार करने वाले होते हैं, किसी भी स्थिति का विचार करते हैं, बहुत दूरगामी सोच रखते हैं, विशाल व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। शनि लग्न में बैठ जाएं तो ऐसा लोग अपने से छोटे लोगों की मदद करने वाला होगा। ऐसे लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं, यानी ऐसे लोग रूढ़िवादिता को छोड़ के अपने दिमाग से चलने वाले हो जाते हैं, बहुत मेहनती हो जाते हैं ऐसे लोग। लग्न में शनिदेव अगर अच्छी राशि में और अच्छे स्थिति में हो जाएं तो अकेले लग्न में शनिदेव, जिनकी बहुत बुराई की जाती है ज्योतिष में कि लग्न में शनिदेव हो तो ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, राजनीतिज्ञ हैं जिनकी जन्म कुंडली में लग्न में शनिदेव है। अब लग्न में बैठ के पर्सनैलिटी को ग्रैंड कर देंगे और तीसरी दृष्टि डालेंगे पराक्रम में, यानी मेहनत करवाएंगे। अब मेहनत अगर आप करेंगे तो सीधी सी बात है आपको रिजल्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों से भी संबंध शनि अच्छे रखते हैं। अगर वो खुद अच्छी स्थिति में है तो शनि आपको सब कुछ देंगे। देखिए कोई भी ग्रह आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ता जब तक वो खुद से पीड़ित ना हो, खुद वो परेशान ना होगा तो वो आपको क्यों परेशान करेगा। व्यवहारिक होकर ज्योतिष को समझिए। ज्योतिष को जब तक आप सूत्रों में ढूंढेंगे, किताबों में ढूंढेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप अपनी आंखों से सब देखेंगे और समझ भी जाएंगे।
लग्न में बैठ के शनि तीसरे भाव को देखेंगे तो कहेंगे कि पराक्रम करो। जब इंसान पराक्रम करने लगेगा सप्तम भाव में बैठ के कार्यक्षेत्र में सफलता दिला देंगे, बिजनेस में सफलता दिला देंगे। हाँ, कभी कभी शादी डिले कर देते हैं, लेकिन अगर अच्छे हों शनिदेव, अच्छी स्थिति में हो, तो कहीं कोई शादी डिले नहीं होती। बहुत से लोगों को मैंने देखा है समय से शादी होती है, बहुत अच्छा पार्टनर मिलता है, बहुत अच्छे उनके जीवन साथी होते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं, नेचर के अच्छे होते हैं। पराक्रम कराएंगे, सप्तम दृष्टि डालेंगे, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव में डालेंगे, कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता दिला देंगे, दसवीं दृष्टि डालेंगे कर्म क्षेत्र में, आपको आपके कार्य क्षेत्र में एक के बाद एक सफलता दिला देंगे। अब ऐसा इंसान मेहनत कर रहा है तो दोनों साइड से उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसके कार्य क्षेत्र में भी प्रॉफिट हो रहा है, अगर बिजनेस कर रहा है उसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी उसके सपोर्ट में है। दशम भाव में शनि की दृष्टि व्यक्ति को प्रशासनिक पदों में सफलता दिला देती है, ऐसे लोग वकील बन जाएं, जज बन जाएं, किसी भी फील्ड में ऐसे इंसान, खासतौर पर अगर जज के लिए देखा जाता है तो गुरु और शनि की स्थिति, शनि को जरूर देखेंगे। अब यही शनि अगर तीसरे भाव में पराक्रम भाव में बैठ जाएं तो यानी ऐसे व्यक्ति को कर्मठ बना देंगे, मेहनत करने से कभी नहीं घबराएगा, हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहेगा, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करेगा, अपने से गरीब लोगों का, अपने से असहाय लोगों का हमेशा सहायता करेंगे ऐसे लोग। थर्ड भाव, तीसरे भाव में अगर शनि बैठ जाएं तो ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तीसरी दृष्टि ज्ञान में डालेंगे पंचम भाव में तो इंसान को ज्ञानी कर देंगे, और कौन सा ज्ञानी, किताबों वाला ज्ञानी नहीं, इस दुनिया से ठोकर खा के सीखने वाला, दुख से निकलकर उससे सीखने वाला, इस तरह का व्यक्ति व्यवहारिक रूप से ज्ञानी हो जाएगा, अपनी बुद्धि से आगे चलने वाला होगा, पूर्वाभास होने लगेगा उसको, क्योंकि शनि इतना प्रैक्टिकल बना देते हैं लोगों को कि उनको इतना अनुभव हो जाता है कि वो आने वाली स्थितियों को भांप लेते हैं, पूर्वाभास होने लगता है। सातवीं दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव में, सातवीं दृष्टि भाग्य भाव में डालकर भाग्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो ऐसा इंसान खूब धार्मिक होता है, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होता है। हाँ, शनि जब भी भाग्य भाव से संबंध बनाते हैं तो मैंने ये देखा है कि शनि की अगर स्थिति अच्छी है तो ज्यादातर ज्योतिषी कह देते हैं धर्म के विरुद्ध होगा, अपने पिता के विरुद्ध होगा। अरे, पिता के विरुद्ध नहीं होते ऐसे लोग, दरअसल भाग्य भाव में शनि जब दृष्टि डालते हैं तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने पिता के सहयोग के बिना आगे बढ़ना पसंद करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद करते हैं, मेहनत करना पसंद करते हैं। अब इसे ही आप कह दें कि पिता और पुत्र के बीच में बन नहीं रही, तो ये कहाँ की बात हुई भाई। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो वो आपको पिता से सहयोग दिलाएंगे, और व्यक्ति अपने पिता की रिस्पेक्ट करेगा, पिता पुत्र में कोई अलगाव नहीं होगा, भाग्य उसका खूब साथ देगा, वो धर्म को भी मानेगा, हाँ रूढ़िवादिता को नहीं मानेगा। कोई कह दे कि घुटनों के बल चल के मंदिर जाओ तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो कह देगा कि घुटनों के बल मंदिर जाने से क्या देवता ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ऐसे वो तर्क उठाने लगेगा, यानी तार्किक चीज़ों में वो आपसे मतलब सहमत होगा, अतार्किक चीज़ों में सहमत नहीं होगा। अब इसके बाद शनि यहाँ से सातवीं दृष्टि इसमें डालेंगे और दसवीं दृष्टि डालेंगे द्वादश भाव में, बारहवें भाव में। अब बारहवें भाव में भी दृष्टि डाल के शनि कोई बहुत नुकसान नहीं करते इंसान का, हाँ खर्च वगैरह इंसान के होते हैं लेकिन उसके कंट्रोल में होते हैं, कोर्ट कचहरी वगैरह में ऐसा इंसान अपनी मेहनत के बदौलत सफल हो जाता है, भिड़ के लोगों से जीत लेता है सब सारी चीज़ें। अब यही शनि चतुर्थ भाव में हो जाएं, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, चौथे भाव में कैसे शनि को अच्छा कह दिया, क्यों, क्योंकि इतना डराया गया है लोगों को, चौथे भाव में शनि बैठ जाए, माता से अलगाव, माता को विशेष कष्ट, भूमि भवन का सुख नहीं मिलता, इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, किसने कहा भाई, मैंने इतनी सारी जन्म कुंडलियां देखी हैं, शनि अच्छी स्थिति में हो जाए, शनि यहाँ पे क्षेत्र के कारक होते हैं, इंसान के पास एक से अधिक प्रॉपर्टी होगी ही होगी, यहाँ तक कि कहते हैं कि चौथे भाव में शनि इंसान एक से ज़्यादा घर बनाता है, तीन घर बनाता है वो अपने जीवन में। अब बताइए यहाँ पे लोगों का एक घर खरीदना मुश्किल है, ऐसा इंसान प्रॉपर्टी कितनी, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाता है, तीन घर बनाता है लोग, ऐसा तक किताबों में लिखा है, और व्यवहारिक रूप में देखने में भी आता है कि शनि चौथे भाव में बैठे हों तो ऐसा इंसान के पास खूब अचल संपत्ति होती है, वो खुद अपने दम पे बनाता है। यहाँ से माता को जरूर थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन अगर शनि अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा नहीं है कि माता को कोई इतना विशेष कष्ट है कि जीना दुश्वार हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस भाव में आप दूसरे भी कोई पापक ग्रह देख रहे हो, खुद कोई पापक ग्रह बैठा हो, शनि खुद पीड़ित हो जाए, तब फिर यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होने लगता है, इंसान के घर में कलह होने लगती है, माता को थोड़ा सा स्वास्थ्य में समस्या होने लगती है, लेकिन जब तक यहाँ शनिदेव अच्छे हैं तब तक कहीं कोई नुकसान नहीं। यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि डालते हैं छठवें भाव में, छठवें भाव से व्यक्ति को उसके शत्रुओं से रक्षा करते हैं, ऐसे लोगों को ऋण से बचाते हैं, ऐसा इंसान बीमार हो जाए तो बीमारी से जल्दी उबर आता है। सातवीं दृष्टि डालते हैं दशम भाव में, कर्म स्थान पे जहां पे कारक हो जाते हैं वो, ऐसे इंसान को उसके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिला देते हैं, मेहनत करा के, संघर्ष करा के, ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, बिजनेस कर ले, ऐसा इंसान व्यवहार कुशल हो जाएगा, स्थितियों से निपटने वाला हो जाएगा और कार्य क्षेत्र में विशेष सफल हो जाएगा, राजनीति में चला जाए राजनीति में सफल हो जाएगा। आपने कई लोग को सुना होगा दशम भाव में राहु हो तो व्यक्ति राजनीति में सफल होता है, सूर्य हो सफल होता है, हाँ होते हैं, लेकिन जनता के कारक तो शनिदेव है ना, समाज के जो छोटे वर्ग हैं इनसे बिना आप इनके बिना सहयोग के भला कोई राजनीति में उच्च पद तक पहुंच सकता है, आप खुद बताइए।
अगर आप सोचें कि आप समाज के केवल अमीर अमीर लोगों से अपनी पहचान बना लें और फिर आप राजनीति में सफल हो जाएं, तो बताइए आप सफल होंगे? आम जनता हम लोग बनाते हैं जिसको राजनेता बनाते हैं, हम लोग मिलकर बनाते हैं। और शनि यहाँ पर क्या हो जाते हैं? यहाँ पर शनि क्षेत्र के कारक हो जाते हैं। अब यहाँ से शनि सातवीं दृष्टि से देखे कर्म भाव को, दसवीं दृष्टि से देखे लग्न को। हाँ, यहाँ पे थोड़े से कार्य डिले होते हैं, लेकिन शनि कारक हो, अच्छी स्थिति में हो, तो कार्य डिले होते हैं लेकिन हो जाते हैं। लास्ट में इंसान का हर काम बनता है। कहते हैं कि देर से सही लेकिन सबसे बेस्ट इंसान को मिलता है। तो यहाँ शनिदेव ही वो ग्रह हैं जो इंसान को देर से लेकिन सबसे अच्छा देते हैं। मंगल जैसे ग्रह अगर लग्न से संबंध बना लें और ऐसे इंसान से पूछा जाए कि धैर्य रखोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, तुरंत चाहिए तो थोड़ा कम अच्छा मिलेगा, वो कहेगा मुझे थोड़ा कम अच्छा दे दो लेकिन तुरंत दे दो। शनि ऐसे नहीं है, शनि कहते हैं पेशेंस रखो, धैर्य रखो। और सच बताऊं आपसे, आपने जीवन में धैर्य करना सीख लिया तो इसके बाद फिर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको गिरा सके, आपको पीछे खींच सके, क्योंकि इंसान धैर्य करना सीख जाएगा, मेहनत करना सीख जाएगा, सब कुछ उसे समझ में आ जाएगा। तो लग्न में दृष्टि डाल के व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देते हैं, व्यक्ति को परिश्रमी बना देते हैं, ऐसे व्यक्ति का ग्रांड व्यक्तित्व हो जाएगा, स्थितियों से निपटने वाला हो जाएगा, टू द पॉइंट बात करने वाला होगा, यानी कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, काम थोड़े डिले होंगे लेकिन लास्ट में सारे काम बन जाएंगे इंसान के। अब यही शनि अगर छठवें भाव में बैठ जाए तो यहां वो कारक हो जाते हैं। यहाँ पर शनि बना देते हैं शत्रुहंता योग। ऐसे इंसान के शत्रु उनके सामने नहीं आते। ऐसे लोग जिनके छठवें भाव से शनि का संबंध हो, ऐसे लोगों की अगर किसी से शत्रुता हो जाए, आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि यहाँ बैठे हों, तो गौर करिएगा, आपके जो शत्रु हैं उन्होंने आपके साथ गलत किया, आप उनके लिए गलत ना सोचिए। आप सोचिए ठीक है तुमने मेरे साथ गलत किया, जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हें शनि देखेंगे। और आप देखिएगा, अगर आपकी गलती नहीं है और लोग जबरदस्ती आपके पीछे पड़े हैं, शनि का संबंध इधर से बन रहा है, तो आप गौर करिएगा, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, आपके जो दुश्मन है, जो बेफिजूल में आपके पीछे पड़ा है, ऐसे लोग घुल घुल के तिल तिल के मरते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में इतनी परेशानी आती है, क्यों? क्योंकि उनको शनि देख रहे हैं ना अब। और शनि अचानक कोई चीज़ कभी नहीं देते, चाहे वो आपके अच्छे कर्मों का फल हो, चाहे वो आपके बुरे कर्मों का फल हो, अचानक शनि कभी नहीं देंगे, आपको धीरे धीरे करके देंगे, आपको एहसास दिला देंगे वो कि हाँ ये मैंने अच्छे कार्य किए थे या ये मैंने गलत किया था। गलती का एहसास इंसान को कब होता है? जब उसको बार बार उस चीज़ का एहसास दिलाया जाए, तभी तो इंसान अंदर से स्वच्छ होकर निर्मल होकर निकलता है। अब यहाँ से शनिदेव बैठ के तीसरी दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में भी शनि कारक होते हैं, यहाँ पे अल्पायु वगैरह की समस्या नहीं होती, इंसान की आयु जो है वो पूर्ण कर देते हैं, इंसान आध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है, इंसान अपने अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है, शांति ढूंढने लगता है। ऐसे इंसान के पास करोड़ों रुपए भी हों तब भी वो मानसिक शांति, आत्मिक शांति की ओर मतलब उन्मुख हो जाएगा। ऐसे लोग योगाभ्यास वगैरह में खास रुचि रखते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष इन सब में इंसान की रुचि हो जाती है और वो सीख भी लेता है, वो खुद से इन सब चीज़ों को सीख भी लेता है। हर इंसान जिसको ये जो पराविद्याएं होती हैं, हर इंसान को सिखाने वाले गुरु तो थोड़े ना मिलते हैं, कोई कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दम पे किताबों से पढ़कर प्रैक्टिकल रूप से देख के सीख लेते हैं। तो यहाँ पर शनि जो है इंसान को इस तरफ जो है विकास कर देते हैं, इस तरह से इंसान सोचने लगता है, पराविद्याओं की तरफ आकर्षित होता है और सीख भी लेता है। सातवीं दृष्टि उनकी द्वादश भाव में पड़ती है, बारहवें भाव में। बारहवें भाव में भी अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या है, सब में शनि विजय दिला देते हैं। खर्च होते हैं इंसान के, लेकिन खर्च उसके नियंत्रण में होते हैं, यानी कहीं कोई समस्या नहीं है। और दसवीं दृष्टि डालते हैं पराक्रम में। पराक्रम में दृष्टि डाल के व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं, मेहनत करवाने वाले। हाँ, अब छठे भाव से पराक्रम में दृष्टि डाल रहे हैं तो हो सकता है छोटे भाई बहनों से थोड़ा ना बने या छोटे भाई बहनों को थोड़ा कष्ट हो जाए, हेल्थ इश्यूज हो जाएं, लेकिन शनि अच्छे हैं तो एटलीस्ट सब सही हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बुरा देखना पड़े, ऐसा नहीं होता। अब यही शनि अष्टम भाव में बैठ जाएं, देखिएगा, मैंने अष्टम भाव का नाम लिया है, बहुत सारे लोगों को समस्या हो गई होगी कि अष्टम का नाम कैसे ले लिया भाई, मृत्यु का भाव। अरे, मृत्यु का कारक मृत्यु के भाव में आया है तो यहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट नहीं करेगा। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कितना ही हम लोग नकार लें, मरना सबको है, आपको भी, मुझे भी। जो भी जीव इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ आयु को बहुत अच्छा कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे बताऊँगा, जब भी शनि यहाँ बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि से वो दशम भाव को देखते हैं तो संघर्ष को बढ़ा देते हैं। अब संघर्ष को बढ़ाना, कुछ लोग कह देंगे संघर्ष बढ़ा दिया, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। अब किसी बच्चे के लिए सोचिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कर रहा है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और डेली वो 6 घंटे पढ़ता है। शनि यहाँ बैठेंगे, दसवीं दृष्टि डालेंगे, ऐसे इंसान के अंदर आग लग जाएगी, वो 10 घंटे पढ़ने लगेगा डेली, तो इससे क्या गलत हुआ? अब वो कल को कहने लगे कि मैं तो 10 घंटे पढ़ा हूँ, मेरी तो बुद्धि घिस गई, अब तो मेरा क्या होगा? तो ये तो बहुत गलत बात है ना। अगर आपने संघर्ष ज़्यादा किया है मतलब मेहनत ज़्यादा की है, मतलब रिजल्ट भी बड़ा मिलेगा। यहाँ से बैठे शनि सातवीं दृष्टि से देखते हैं दूसरे भाव को। वाणी थोड़ी सी कटु हो जाती है। अब कटु क्यों हो जाती है? क्योंकि इंसान सच बोलने लगता है। किसी इंसान के मुँह पर थोड़ा सच बोल दो, उसकी वास्तविकता दिखा दो, तो वो बुरा मान जाएगा, कह देगा ये कड़ुआ बोलता है। वो कड़ू नहीं बोलता, वो बस सच बोलता है।
दसवीं दृष्टि डालते हैं ज्ञान भाव पे। अब ज्ञान अष्टम से संबंध बना लेगा, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा, पूजा भजन की तरफ मुड़ जाएगा, ईश्वर में उसकी आस्था होगी, लेकिन ईश्वर के सामने मूर्ति के सामने जाकर हो सकता है अगरबत्ती न जलाए, दिल से भगवान को मानेगा, दिल से श्रद्धा होगी उसकी भगवान की तरफ, दिल से धर्म को वो मानेगा, धर्म को सपोर्ट करेगा, हालांकि थोड़ा तार्किक हो लेकिन सपोर्ट करेगा। नवम भाव कहना ही नहीं, नवम भाव तो मैंने यहाँ तक भी आपसे बताया है कि यहाँ पर शनि कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, शनिदेव नवम भाव से संबंध बना ले, ऐसे इंसान का भाग्य, अगर स्थिति बहुत खराब नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, शनि अच्छी स्थिति में होने चाहिए, अपनी राशि में हो जाएं, यहाँ पर अच्छी किसी अपने मित्र की राशि में हो जाएं तो कहना ही नहीं, लेकिन फिर भी नवम भाव में शनि बैठ जाएं तो ऐसा इंसान अपने भाग्य से सब कुछ बना ले जाता है। शुरुआती उम्र में उसको बहुत संघर्ष देखना पड़ता है, ऐसे बच्चों की शुरुआत में थोड़ा तबीयत खराब रहती है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम दिशाविहीन हो गए हैं, लेकिन जैसे ही वो 30 के आसपास, मतलब 30 अब 20 साल क्रॉस करते हैं और 30 अपने 30वें वर्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं, ऐसे इंसान का भाग्य साथ देने लगता है, वो पराक्रमी हो जाता है, मेहनत करने लगता है, यहाँ से बैठा शनि उसको जीवन में सब कुछ दे देता है भाग्य से। अब भाग्य भाव में शनि बली हो जाते हैं, तो यहाँ से बैठ के जब तीसरी दृष्टि डालेंगे 11वें भाव में, तो ऐसा इंसान सब अब कमाई, उसके थोड़ा भाग्य भी उसका सपोर्ट करने लगता है। अब थोड़ा सुनने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ऐसे लोगों को टेबल के नीचे वाला पैसा भी पच जाता है, ऐसे लोग को शनि देते सब कुछ है, लेकिन ऐसे इंसान का भाग्य भी उसका सपोर्ट करने वाला होता है, आय के मामले में इंसान द्वितीय हो जाता है, बस उसको एकदम से कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे, वो चाहे जॉब कर ले चाहे बिजनेस कर ले, बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में देखिए शनि नवम भाव दशम भाव से संबंध बना के बैठे होंगे, यानी अपार संपत्ति जिसका कोई जिसे गिना भी ना जा सके, इतनी संपत्ति देते हैं शनि अगर यहाँ पे बैठे हों तो। तीसरी दृष्टि डालते हैं आय भाव में, आय के मामले में इंसान को अद्वितीय कर देते हैं। सातवीं दृष्टि डालते हैं पराक्रम में, तो भाग्य भाव में बैठ के पराक्रम में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा इंसान दो कदम चलेगा, यानी दो कदम काम करेगा, भाग्य उसका चार कदम उससे आगे खड़ा होगा, थोड़ी सी मेहनत करेगा उसका भाग्य आगे उसके खड़ा होगा, उसका हाथ पकड़ के आगे खींच लेगा उसे। दसवीं दृष्टि डालते हैं छठे भाव में, अब भाग के भाव में बैठ के छठवें भाव में दृष्टि डालना है, तो ऐसे इंसान के जो शत्रु होंगे वो अपने आप खत्म होते रहेंगे। आप देखिएगा कभी किसी के नवम भाव में शनि हो और कोई बेफिजूल उसके पीछे पड़ा हो, तो शनिदेव कभी ऐसी स्थिति नहीं आने देते कि इनका आमना सामना हो, शनिदेव इनकी रक्षा करते हैं, इनको किनारे रखते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि अवॉइड करो ऐसे लोगों को, अपने कर्म में ध्यान दो, ऐसे लोगों के चक्कर में फंसोगे तो तुम्हारी ही लाइफ खराब होगी। तो वो शनिदेव ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि अगर कोई इनके पीछे पड़ा हो तो ज़्यादातर इनके दुश्मन इनके सामने ही नहीं आ पाते, और इनका बुरा सोचने वाले खुद धीरे धीरे अपना परिणाम भुगतते हैं, क्योंकि शनि ऐसे लोगों को छोड़ते नहीं। अब यही शनि दशम भाव में बैठ जाएं बहुत अच्छा है, दशम भाव में बैठ के उच्च प्रशासनिक अधिकारी बना दें, जज बना दें, वकील बना दें, अच्छा डीलर बना दें, कंस्ट्रक्टर बना दें, बहुत अच्छे रियल इस्टेट में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दें, ऐसे लोग अपने जीवन काल में हर एक तरह की सफलता पा जाते हैं। तीसरी दृष्टि व्यय भाव में पड़ती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, खर्च भी होता है लेकिन इंसान कमा भी लेता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर इंसान को वही एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐसा इंसान अपने जीवन काल में बना लेगा, घर उसका बड़ा होगा, भले ही वो उस एक से ज़्यादा घर बनाएगा, भले ही वो अपने घरों में रहने का सुख उसे ना मिले, लेकिन वो बनाएगा प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा, भूमि ऐसे इंसान के पास खूब होगी, जनता से इंसान ऐसा जुड़ा होगा डायरेक्ट, इसीलिए राजनीति में दशम भाव से शनि अगर संबंध बनाए तो लोग या ज्योतिषी कह देते हैं हाँ आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। दसवीं दृष्टि डालते हैं सप्तम भाव में, अब शनि यहाँ पे अगर शनि पीड़ित नहीं है तो बहुत अच्छा है, आपको व्यापार में खूब ऊंचाई तक पहुंचा देंगे, इसके अलावा आपको हर तरह से सफलता दे देंगे, आपके पार्टनर भी आपका सपोर्ट करने वाले होंगे, आपके नेचर से उनका नेचर मैच करता होगा, यानी कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो शनि दशम भाव में बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, स्पेशली दशम भाव में शनि कारक हो जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाएं इंसान अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से सब कुछ बना लेगा, ऐसा इंसान ऐसे काम कर देता है जो समाज कभी सोचता नहीं कि इंसान इस ऊंचाई तक पहुंचेगा, वो पहुंच के दिखा देता है। ऐसे इंसान जिनके शनि प्रधान होते हैं, ऐसे लोगों को आप देखिएगा इनके अंदर बदला लेने की कोई खास भावना नहीं होती, इनको अपने काम से मतलब होता है, ये दूसरे को अपनी मेहनत से काम करके दिखाना पसंद करते हैं, बड़बोले नहीं होते, साधारण भाषा में बात करेंगे, बहुत सिंपल रहेंगे, शनि जितना अच्छा व्यक्ति उतना सिंपल, शुक्र जितना बलवान जन्म कुंडली में उतना फैशनेबल, उसके पास 100 रुपए होंगे तो जल्दी से जाके ब्रांडेड शर्ट खरीद लाएगा, क्यों, क्योंकि लोगों को दिखाना है भाई, 1000 रुपए होगा तो ब्रांडेड शूज ले आएगा, 1,00,000 रुपए होगा तो परफ्यूम खरीद लाएगा, मतलब दिखावे में जीवन जीता है, क्योंकि उसे ऐश्वर्य दिखाना है अपना, शुक्र इसी का तो कारक है। आप दूसरों के सामने अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपका वैभव, आपकी संपत्ति, आपका रूप रंग लोग देखते हैं, इंसान इसकी तरफ झुकाव ले जाता है, लेकिन शनि ऐसे बिल्कुल नहीं है, करोड़ों रुपए जेब में होगा लेकिन इंसान बिल्कुल साधारण से कपड़ों में और हो सकता है रिक्शे में आपको घूमता टहलता मिल जाए, क्यों, क्योंकि शनि झुकना सिखाते हैं, शनि कहते हैं झुक के रहो। सूर्य अगर लग्न से संबंध बना ले किसी इंसान के, ऐसा इंसान कभी नहीं झुकेगा, एरोगेंट हो जाएगा, यानी अगर वो जिद पे आ जाए तो कह देगा सिर कट जाएगा लेकिन झुकूंगा नहीं मैं चाहे जो हो जाए। शनि लग्न से संबंध बना ले तो वो पूरी कोशिश करते हैं इंसान को ये समझाने के लिए कि परिस्थितियों के आगे झुक जाओ, छोटे लोगों के सामने उनकी मदद करो, अपने से असहाय लोगों की मदद करो, परिस्थिति ऐसी हो तो झुको, अपनी गलती मानो,
सूर्य ऐसा नहीं सिखाते, मंगल ऐसा नहीं सिखाते, मंगल वाला गुस्सा हो जाएगा। वो कह देगा मेरी गलती ही नहीं है। शनि अगर यहाँ पे है, व्यक्ति अपनी गलती मान ले, झुक जाए, उसे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ जो वो जीवन में चाहता है। तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि शनि आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे शनि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। भले ही शनि दुख के कारक हों, बीमारी के कारक हों, शोक के कारक हों, लेकिन आप ये समझ जाइए, दुख के बाद सुख आता है, बीमारी के बाद आरोग्य आता है, शोक के बाद खुशी आती है, मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। इन सब के बाद अगर आप देखें तो परम सुख है। यानी शनि वो एरिया है जिस एरिया से गुजरने के बाद आप बिल्कुल शुद्ध होकर, बिल्कुल खुश होकर बहुत कुछ सीख के निकलते हैं। अब आपका ईगो आपके बीच में आ जाए, आप ये कहते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, अपनी गलती नहीं मानूंगा, समाज में ऐसा है, लोगों की मदद नहीं करूंगा, समाज के लोगों की मदद नहीं करूंगा, या आप गलत काम करने लगें, तो ठीक है, वो बैठ के गिन रहे हैं और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हिसाब देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, कोई नहीं बच सकता, हिसाब देना पड़ेगा। तो दसवें भाव में भी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब ग्यारहवें भाव में शनि अगर बैठ जाएं तो ऐसे शनि भी बहुत बढ़िया होते हैं। ग्यारहवें भाव में बैठा शनि आय की दृष्टि से इंसान को बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान शनि से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करे, कंसिस्टेंसी से वृद्धि करता है, यानी उसको उत्तरोत्तर फायदा मिलता है। ऐसे इंसान जिनके ग्यारहवें भाव में शनि होते हैं, इनके पास पैसा जीवन काल में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है, पैसा बढ़ता है। पैसा बढ़ेगा तो इंसान की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, सुख सुविधाओं में वो खर्च करेगा। आय की दृष्टि से यहाँ पे शनि को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि आय भाव में कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट करता है, लेकिन पापक ग्रह, ऊपर से शनि जैसा पापक ग्रह बहुत अच्छा करता है। अब यहीं पर राहु बैठ जाए तो इंसान अनाप शनाप पैसा कमाने लगेगा। राहु बिगड़ जाए तो ऐसा इंसान गलत कार्यों से भी पैसा कमाने लगेगा या कमाने के लिए सोचने लगेगा। शनि यहाँ पे बैठ जाए तो आपको गलत कार्यों से तो पैसा नहीं कमाने देंगे, लेकिन हाँ, सरकारी अधिकारी वगैरह जिनकी जन्म कुंडली में शनि ग्यारहवें भाव में होते हैं, ऐसे लोग रिश्वत वगैरह लेता खूब देखे गए हैं, और पता नहीं कैसे लेकिन ऐसे लोगों को रिश्वत का पैसा कहते हैं पच भी जाता है। अब वो बात अलग है कि उम्र के किसी पड़ाव में उनको भुगतना तो उन्हें भी है, क्योंकि शनि छोड़ेंगे किसी को नहीं, भले चाहे वो भाग्य भाव में बैठे हो, लेकिन इंसान को उसकी मेहनत के अनुरूप देना पसंद करते हैं। शनि कहते हैं योग्य हो जाओ मैं दे दूंगा, आप योग्य हो जाओ मैं दे दूंगा। आप अगर आप चाहते हैं कि आप अकर्मण्य रहें, कुछ करें ना, दिन भर घर में पड़े रहें, और शनि आपके लाभ भाव में बैठे हों, तो ऐसा तो होगा नहीं कि डोरबेल बजे, शनिदेव बाहर खड़े हों, नोटों की गड्डी आपको पकड़ा के निकल जाएं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो शनि यहां पर आपसे कंसिस्टेंसी से मेहनत कराएंगे, आप मेहनत करेंगे, आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पहली बात, शनि प्रभावित लोग जिनकी जन्मकुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग पहली बात अकर्मण्य होते ही नहीं है, ऐसे लोग कर्मठ ही होते हैं, ऐसे लोग मेहनत करने वाले ही होते हैं। लग्न में शनि बैठा हो ना, तो ऐसा व्यक्ति वो मेहनत करना जानता है, यहां तक कि उसे फल की भी कोई ज्यादा खास चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कुछ अभिनेताओं की जन्म कुंडली में लग्न में शनि हैं, आप देखिएगा उनका नेचर कितना ग्रैंड है। तो शनि यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। तीसरे भाव से देखेंगे लग्न को, लग्न को देखकर इंसान के काम डिले होंगे, लेकिन सारे काम हो जाएंगे, स्पेशली धन से जुड़ा है तो सारे काम हो जाएंगे, पर्सनैलिटी को ग्रैंड कर देंगे, ऐसा इंसान विचारों वाला हो जाएगा। हाँ, सोच समझ के फैसला करने वाला होगा। समाज में ऐसा एक दो तरह के लोग होते हैं, एक जो किताबों से सीखते हैं, एक जो अपनी असल जिंदगी से सीखते हैं। तो ऐसे लोग जो शनि से प्रभावित होते हैं, वो समाज की ठोकरें खाकर, जिंदगी की ठोकरें खाकर सीखते हैं, इसलिए ऐसे इंसान बहुत ज्ञानी हो जाता है। सातवें भाव से सप्तम दृष्टि से पांचवें भाव को देखेंगे तो ज्ञानवान कर देंगे, प्रैक्टिकल रूप से ऐसा इंसान ज्ञानवान हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि शनि की जो दृष्टि होती है वो विच्छेदकारी होती है, बिगड़ जाएंगे शनि तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर शिक्षा में थोड़ी सी बाधा कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो महिलाएं हैं उनके गर्भ में समस्या कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, उसकी अलग स्थितियां हैं। पंचम भाव में और भी किसी पापग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, मंगल की, सूर्य की, तब ऐसा होता है। बाकी शनि ज्ञान के मामले में इंसान को अद्वितीय कर देते हैं, टेक्निकल माइंड हो जाता है वो, ऐसा इंसान अपने दिमाग से पैसा बनाना सीख जाता है, कंसिस्टेंसी से पैसा बनाना सीख जाता है, मेहनत करना सीख जाता है। ऐसे इंसान को उच्च शिक्षा लेते हुए देखा गया जिनके शनि इधर यहाँ पांचवें भाव में दृष्टि डाल दें, नवम भाव में बैठे हैं, ऐसे लोग उच्च शिक्षा भी लेते हुए देखे गए, क्योंकि उच्च शिक्षा भी नवम भाव से देखी जाती है, पंचम से पंचम नवम ही तो होता है। अब यहाँ पर शनि अगर पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दसवीं दृष्टि डालते हैं अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में भी मैंने आपको बताया आयु के कारक होते हैं। इलेवेंथ हाउस में बैठ के अष्टम भाव को देखना, ऐसा इंसान दूसरों की मदद करने वाला हो जाएगा, खुद करोड़ों कमाएगा लेकिन अपने दोनों हाथों से लौटाएगा। किन लोगों में? जो लोग असहाय हैं, और करना भी चाहिए, शनि यही तो सिखाते हैं कि असहाय लोगों की मदद करो, जिनके पास नहीं है, कमी है, उनकी मदद करो, उनको योग्य बना दो, उनको इस तरह बना दो कि उनको दोबारा किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इस चीज़ में आप फोकस करिए, देखिए आपको शनि कितने बेहतरीन जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। तो शनि से हम लोग डरते, फालतू में हम लोग डरते हैं, हम लोगों के सामने शनि का नाम आ जाता है, इंसान के चेहरे में देखिए उसका रंग उड़ जाता है,
विगत कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति की जन्म कुंडली देख रहे थे, वृषभ लग्न की जन्म कुंडली थी, शनि नवम भाव में बैठे थे। मैंने शनि का नाम लिया तो उनके चेहरे के रंग उड़ गए, उनको वो कि अरे शनि का नाम ले लिया, लगता है मेरा टाइम खराब आ गया, जबकि इस समय उनका बिल्कुल क्रीम पीरियड चल रहा है, क्योंकि शनि नवम भाव में है और उनकी जो राशि है वो कुंभ है, तो कुंभ राशि वालों को चल रही है 7:30, ये उनका क्रीम पीरियड है। हाँ, आप शनि का जो स्वभाव है शोक का, मृत्यु का, दुख का, बीमारी का, तो टेंशन तो वो देंगे, लेकिन अगर आप उसके कुछ उपाय कर लें तो वो टेंशन आपको कम मिलेगी, लेकिन आपको कार्यक्षेत्र में भी तो सफलता मिल रही है। अब उन महाशय से मैंने पूछा कि आपकी कुंभ राशि है, विगत कुछ दिनों से आपको शनि की 7:30 चल रही है, क्या महसूस किया? बोले टेंशन तो बहुत हुई है, लेकिन जीवन काल में सब कुछ मिल रहा है इसी टाइम पे। तो ऐसी स्थिति होती है शनि की, शनि से डरिए मत, उनको सिर्फ समझने की कोशिश करिए वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। अपनी जन्म कुंडली में देखिए शनि अगर इन भावों से संबंध बना रहे हैं तो बहुत अच्छा। अब कुछ लोगों को समस्या होती है, इस भाव में नहीं बताया, यहाँ नहीं बताया, यहाँ नहीं बताया। बात ये नहीं कि शनि यहाँ बुरा प्रभाव देते हैं, बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आप शनि से डरिए नहीं, और इन भावों से शनि जो संबंध बनाते हैं, कई लोगों को छठवें भाव से दिक्कत होती है, अष्टम भाव से दिक्कत होती है, चौथे भाव में कह देते हैं शनि, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका भ्रम तोड़ने के लिए इस वीडियो को बनाया था और ये कहने के लिए कि इन भावों में शनि कुछ इस तरह के प्रभाव देते हैं। अभी जो वीडियो सुबह आ रहे हैं मेरे, उस वीडियो में सीरीज चल रही है जिसमें हम जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में हर एक ग्रह का प्रभाव जान रहे हैं, आप उसमें जाइए, उसमें आपको ग्रह में प्रत्येक भाव में प्रभाव दिखाई। ये तो खाली वीडियो बनाया गया था कुछ विशेष भावों में प्रभाव बताने के लिए, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करिए कि इस भाव में छोड़ दिया, उसमें क्यों नहीं बताया। ये भाव विशेष का वीडियो है, दो वीडियो मेरे आते हैं, आप सुबह की सीरीज में जाइए, उसमें जल्द ही शनिदेव वाला वीडियो अपलोड होने वाला है, उसमें आप देख लीजिएगा आपकी जन्म कुंडली में अगर बचे हुए भावों में शनि बैठे हैं तो किस तरह का आपको रिजल्ट देंगे। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि शनि आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं और आपने क्या महसूस किया है, शनि किस राशि में है, किस डिग्री में है, किस नक्षत्र में है और किस ग्रह से उनका संबंध है, इसे भी जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी शनि से डरना बंद करें। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन में पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।